हेलो हेलो आइएगा। प्रातःकालीन वेला है, माता सरस्वती से लेकर के माँ भारती भारत माता पे पहुंच चुके हैं। एक गीत मैं भेंट कर रहा हूं। जय हो। प्रथम जय हो। प्रथम ही गुरु के चरण में मैं पनपुनी करहूं प्रणाम। तापीछे सबको मेरी जय जय सीताराम। जय हो। एक गीत भेंट कर रहा हूं। क्या हो? यार वो सुना है क्या? जय जय मन जय के साथ। जय जय मन। आएगा एक गीत भेंट कर रहा हूं जो अभी तक यूरोप में नहीं पहुंचा है। बिल्कुल। लेकिन आज पहुंच जाएगा दादा। आज पहुंच जाएगा। बिल्कुल। पहुंचाने के लिए कर रहा हूं कोशिश। और क्या? ये भी YouTube पे पहुंचे। फिल्म से गीत आया था। सुबह समस्या ये होती है कि राष्ट्रीय गीत सुनाया जाए कि कोई पौराणिक सुनाया जाए, देवी गीत सुनाया जाए या सामाजिक सुनाया जाए। तो एक गीत ऐसा भेंट कर रहा हूं जो सामाजिक भी है, राष्ट्रीय भी है और धार्मिक भी है। सुनिए। सुनिए। कि तो ये मत वाली चाल जाए फूलों की रात, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमा ले हसीना। ऐ हसीना, ऐ हसीना, ऐसी मिसाल कहां। पंक्ति प्रारंभ कर रहा हूं और इस गीत में खास बात यह है कि तीन प्रधानमंत्रियों के नारे लगे हैं। समझ जाएंगे कि आखिर वो प्रधानमंत्री हैं कौन। कि मेरा भारत देश महान, क्या बात है नारायण। ये आप बहन बेटे, आप बहन।
मेरा भारत देश महान है, इसमें तीन का अंक प्रधान। सोचेंगे तीन का अंक क्यों प्रधान है, क्या बताएंगे। इसमें तीन का अंक प्रधान कि जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। जहां में अजहां में अजहां में ऐसा प्रमाण कहां, क्या मत हो मेरा भारत। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उनके बाद हमारे देश के 11वें या 12वें थे, अच्छी तरह से याद नहीं है, 11वें या 12वें प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने नारा दिया जय विज्ञान, तीन शब्द बने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। आज देख रहा हूं जो भी लोग यहां बैठे हैं सभी शिक्षित लोग हैं, और कीर्तन से जो ज्यादा स्नेह रखता है, शिक्षित हो या ना हो लेकिन ज्ञानी जरूर होता है। आज इस विकास के युग में, विज्ञान के युग में, कोई देश ऐसा नहीं जहां ये तीनों चीजें ना हो, जवान किसान और विज्ञान। हर देश में तीनों चीजें हैं, लेकिन ये नारा केवल हिंदुस्तान में है और कहीं नहीं है। जानते क्यों? कारण यह है कि भारत जैसा जवान, भारत जैसा किसान और भारत जैसा विज्ञान न कहीं था, न है और न आगे होने की संभावना है। गीत भले कहता है कि तोबा मतवाली चाल झुक जाए भूलों की डाल, ऐसी मिसाल कहां, सैकड़ों मिसालें मिलेंगी। लेकिन जो मैं दे रहा हूं, निवेदन करता हूं, अगर ऐसी मिसाल कहीं हो तो कृपा करके मुझको बताएं। देखिए मैं अपने देश का एक जवान आपको सुना रहा हूं, नाम नहीं बता रहा, आप समझ जाएंगे जवान है कौन। ऐसा जवान कि जब से जवान हुआ कई युग बीत गए, आज तक जवान है। कौन? कौन? अकेले वो लंका जाकर, अकेले वो लंका जाकर तहलका मचाए। तहलका कैसा? कैसा? त्रिभुवन विजेता को भी जो नाच नचाए, नाच नचाए, नाच नचाए। और ये बहुत बहुमूल्य भेंट है हमारे आदरणीय संजय सिंह जी, जो फिरोजाबाद से केएस चैनल के संचालक हैं, उनकी बिटिया यानी हमारी भतीजी कुमारी कशिश की ओर से। ये केवल ग्राफी करते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड ले जाते हैं, आश्चर्य होगा, वो छोटी बिटिया ही सारा काम देखती है, जितने भी गीत संशोधित करना डालना ये सब वही बिटिया करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
उसके नाम से आपने हमको एक से एक मुद्राएं भेंट की हैं पुष्पहार के साथ। मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि इन सुंदर खुशबूदार फूलों की खुशबू उस बिटिया तक पहुंचे और ऐसी पहुंचे कि जिंदगी भर उसकी जिंदगी खुशबू से ही भरी रहे। बारह साल से क्या है, हम तो चाहते हैं कि 12 साल की नहीं हो, 1200 साल की हो। हमारे छोटे भाई भैया श्री मानवेंद्र जी मधुर जो खंगारन टोला से यहाँ आए हैं, हमारे गुरु भाई हैं, इनकी ओर से भी ये एक से एक मुद्राएं भेंट हुई हैं। मैं कुछ कुछ शुभकामनाएं देखता हूँ भैया मानवेंद्र जी को। ये तो सुनिएगा, अकेले ही लंका जाकर तहलका मचाए, त्रिभुवन विजेता को भी जो नाची नचाए, देखो ये होता है भाई। लेकिन अगर वही जवान अयोध्या आ जाए तो बीच सभा में सीना फाड़ कर दिखाए, बीच सभा में सीना फाड़ कर दिखाए तो सभी वीरता तो तले अंगुली दबाए, जहां में ऐसा प्रमाण कैसा कि मुख चापे दिन कर श्रीमान, मुख चापे दिन कर श्रीमान, हृदय मध्य ब्राजे भगवान, और तीन लोक यस गाथा गाए तो जय हो वीर हनुमान, तीन लोक यस गाथा गाए तो जय हो वीर हनुमान, जहां में ऐसा जवान कहा, नहीं मिलेगा। जब तक धरती में राम की चर्चा रहेगी यह जवान जवान ही रहेगा। लेकिन आश्चर्य आपको तब होगा जब कहें भारत खेती में तो बहुत पीछे है, कृषि में बहुत पीछे है, किसान कैसे आगे हो गया। कैसे? एक किसान बता रहा हूं, अगर दुनिया भर में कहीं ऐसा किसान मिल जाए तो मुझको सूचना देना। एक किसान धरती पे बरसा नहीं, धरती पे बरसा नहीं कई साल पानी, राजा परेशान हो गया, विद्वानों से पूछा उपाय बताया, तो उपाय के अनुसार चलाते हैं सोने का हल राजा वरानी, ऐसा लगता है कि वर्षों से हमारे साथ गा रहे हैं। जय हो। चलाते हैं सोने का हल राजा वरानी, राजा हो तो ऐसा प्रजा की दशा पर बरसे आंखों से पानी, प्रजा की दशा पर बरसे आंखों से पानी, तो धरती से कन्या बनकर प्रकटी भवानी, जहां में ऐसा प्रमाण कहां कैसा कि ज्ञानी सुनो लगा कर कान,
ज्ञानी सुनो लगा कर कान कि राजा रानी बने किसान। अब किसानी कैसी की? ज्ञानी सुनो लगा कर कान राजा रानी बने किसान, तो बिना बीज के धरती से पैदा कर ली संतान। जहां में जहां में जहां में ऐसा किसान गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया। आएगा चंद्रयान 2 की सफलता के बाद, क्या बात है, हमको लगता है महाराज माइक न ले जाओ। वाह, श्री हेमंत द्विवेदी जी नटखट जो नीलम एंड पार्टी के रचनाकार हैं, आपकी ओर से भी एक से एक मुद्राएं भेंट हैं। अच्छे रचनाकार हैं, अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हमारे शिष्य हैं। बिल्कुल, कुछ कुछ शुभकामनाएं आशीर्वाद है, कुछ गुण मिल रहे हैं। एक अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। लोग कहते हैं हमारा विज्ञान था अमेरिका चीन जापान से पीछे है, कहते ना कोई भी देश हमारे विज्ञान को ना कभी छू पाया है और ना कभी छू पाएगा, केवल नकल कर रहे हैं लोग। कैसा विज्ञान देखना जरा, कैसा। चरण धूलि पाकर शिला, चरण धूलि पाकर शिला बन जाए नारी, सर पटक के मर जाएंगे विदेशी लोग। क्या विज्ञान था पाऊ, चरण धूलि पाकर शिला बन जाए नारी। एक छोटा सा कंकड़ लीजिए, पानी में छोड़िए, नीचे चला जाएगा। लेकिन भारत का विज्ञान बड़े बड़े पर्वतों को हाथ से छुआ तो पानी में पर्वत तैरी, पानी में पर्वत तैरे। केवल पर्वत नहीं, उन पर लोडिंग कितनी। पानी में पर्वत तेरे चढ़ी सेना सारी, थोड़ी बहुत सेना नहीं, जिसके पदम 18 जूथम बंदर। भगवान शिव कहते हैं उमा उमा बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करण चह लेखा। कितनी सेना थी। पानी में पर्वत तेरे चढ़ी सेना सारी। लोग कहेंगे वो तो भगवान थे। अच्छा भगवान नहीं थे, उसको सुनो। अंजलि से पी गए सारे सागर का पानी। बात है दादा, बढ़िया। वैज्ञानिक कहने लगते कि समुद्र की थाय लेना बड़ा कठिन है, समुद्र को खाली कर पाना बड़ा कठिन है, बड़ी बड़ी मशीनों से खाली नहीं कर सकते। लेकिन हमारा विज्ञान अंजलि अंजलि से पी गए सारे सागर का पानी। लाल चंद दुनिया भर में ये जाहिर कहानी, जहां में जहां में जहां में ऐसा प्रमाण कहां। कैसा देखिएगा पहले
कि भारत में था एक विमान, भारत में था एक विमान, कितने सीटर, कोई भी कंपनी कोई भी वाहन का निर्माण करती है सबसे पहले उसकी क्षमता निर्धारित करती है, 5 सीटर 7 सीटर 9 सीटर, लेकिन ये कितने सीटर था आज तक किसी को पता नहीं। विशेषता क्या थी, कि भारत में था एक विमान, बैठे सारा हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदुस्तान की कोई लिमिट तो है नहीं, कभी 50 लाख कभी करोड़, अब 1.25 करोड़, जय हो, ना चाहे जितने बैठे। भारत में था एक विमान, बैठे सारा हिंदुस्तान, और चाहे जितने बैठे पे खाली रहे एक ही स्थान। खास बात तो ये थी, बड़ा नहीं था, अगर एक आदमी बैठे तो एक स्थान खाली, 10 बैठे तो एक स्थान खाली, 100 बैठे तो भी एक स्थान खाली, पूरा राज्य बैठ जाए, पूरा उत्तर प्रदेश बैठ जाए, पूरा भारत बैठ जाए, क्या बात है, स्थान एक खाली। हमारे देश में दो चीजें ऐसी हुई, एक तो ये, एक सभा, उसका नाम नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि कैसेट बन रही है, लोग सुनकर भी कहो हम ही पे सीना ऐठे हैं, बिल्कुल। एक सभा है हमारे भारत देश में और दूसरा ये पुष्पक विमान है। क्या बात, भारत में था एक विमान, लोग कहते कुबेर से मिला था, ना, भारत का विमान पुष्पक का निर्माण हमारे भारत में ही हुआ, इसके बाद वो विमान कुबेर को दिया गया, कुबेर से रावण ने लिया, रावण से भगवान राम लाए, राम के बाद फिर कुबेर के पास चला गया। भारत में था एक विमान, बैठे सारा हिंदुस्तान, चले थोड़ा लिमिट और बढ़ा लेते हैं, भारत में था एक विमान, जिसमें बैठे सकल जहान, और चाहे जितने बैठे पे खाली रहे एक ही स्थान, जहां में जहां में जहां में ऐसा विज्ञान कहां, इसलिए कहना है कि मेरा भारत देश महान, मुट्ठी भर का पाकिस्तान फिर भी बराबरी करना चाहता है, मेरा भारत देश महान, इसमें 3 का अंक प्रधान, जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान, जहां में जहां में जहां में ऐसा प्रमाण कहां, ओ जी, आपने भी 370 गाया, नीलम ने भी 370 गाया, मैं 2 पंक्ति में आपको सुना रहा हूं 370 का परिणाम। कि ये
ये वो धरती कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश मेरा वो भारत अब 370 देखना जरा क्या बात है हमारे भारत के नौजवानों ने और हमारे देश के मंत्री और प्रधानमंत्री ने धारा ध्यान क्या बात है धारा ध्यान हृदय में मां का और भक्ति भाव भी धारा जय हो और ध्यान धार के खत्म किया है ध्यान धार के खत्म किया और 370 धारा लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ तो आवाज उठा दी सुना होगा आप लोगों ने टेलीविजन कि पाक कहे इस पर तब पाक कहे फिर से घटना वो पाक कहे फिर से घटना होगी पुलवामा जैसी खुली चुनौती थी कि अगर 370 धारा हटाई है पुलवामा की तरह फिर से घटना हो सकती है किसी को जवाब देना नहीं पड़ा हमारे सैनिकों ने जैसे ही सुना पुलवामा जैसी घटना माने फिर से सैनिक मारे जाएंगे हमारे बहादुर सैनिकों ने जवाब दिया है बात सुन हमारा जवाब जो ये कहते फिर से घटना होगी पुलवामा जैसी समझो उनकी ऐसी की तैसी उनकी ऐसी
इनकी तैसे इनकी कि चाहे हो इमरान खान वो चाहे हो इमरान खान चाहे महमूद कुरैशी उनकी ऐसी की तैसे चाहे हो मजूद असन कि चाहे हो अजहर मसूद नाम सुना होगा चाहे हो अजहर मसूद और चाहे